शुरुआती दौर का संशय और खौफ का वातावरण छटने लगा है और कोरोना टीकाकरण अभियान अब गति पकड़ने लगा है। देश में 27 जनवरी की शाम 6 बजे से अब तक कुल 23,28,779 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। 27 जनवरी को 28 राज्यों में टीकाकरण कार्यक्रम चला और 2,99,299 लोगों को कोविड-19 टीके लगे। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार टीका लगने के बाद अब तक 16 लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। इस लिहाज से हॉस्पिटलाइजेशन के मामले कुल मामलों के 0.0007% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना का टीका लगाने के बाद अस्पताल में भर्ती का एक मामला सामने आया। यह बैक्टीरियल सेप्सिस का मामला है और चेन्नई के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा है। टीका लगने के बाद अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में एक व्यक्ति की मौत हुई है। ओडिशा के नुआपाड़ा में 23 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। किसी भी मौत का वैक्सीनेशन से संबंध नहीं है।